हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़। अगेन आप सभी का स्वागत है फिर एक बार इस नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं रोल ऑफ माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। ठीक है, अब बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम एज एन बायो कंट्रोल एजेंट भी यूज कर सकते हैं, उसी के बारे में हमें इस वीडियो लेक्चर में डिटेल में डिस्कशन करना है। ठीक है, अब बायो कंट्रोल एजेंट होते क्या है तो हम देखते हैं प्लांट में बहुत सारे वैरायटी ऑफ डिजीजेस होते हैं, वायरल डिजीज, फंगल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीजेस। ठीक है, इसी के साथ प्लांट को बहुत सारे पेस्ट से यानी कीड़ों से नुकसान होता है। ठीक है, तो अगर हमें प्लांट में पेस्ट को कंट्रोल करना है, ठीक है, मतलब कीड़ों को कंट्रोल करना है या फिर हमें प्लांट को किसी डिसीज से बचाना है, तो हमें यहाँ पे किसी बायोलॉजिकल मेथड को यूज़ करना है इंस्टेड ऑफ एनी केमिकल पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड। ठीक है, कोई भी पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड यूज़ करने के अलावा अगर हम किसी बायोलॉजिकल मेथड को यूज़ करते हैं, ऑर्गेनिक मेथड को यूज़ करते हैं, जिससे हमारे जो पेस्ट कीड़े हैं वो भी मर जाए या प्लांट को कोई डिजीज होने वाला है वो ना हो, ठीक है, और हमारा काम भी हो जाए, मतलब हमें कोई केमिकल यूज करने की जरूरत भी ना पड़े, तो उसको हम बायो कंट्रोल एजेंट बोलते हैं। बेसिकली हमें यहाँ पे बोलना है कि बायो कंट्रोल एजेंट्स या बायो कंट्रोल का जो ये प्रोसेस होता है, फिनोमिना होता है, इसमें क्या होता है, इसमें हम किसी बायोलॉजिकल मेथड से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, या फिर हम पेस्ट को या इंसेक्ट को ग्रो होने से रोकते हैं। ठीक है, तो बायो कंट्रोल एजेंट्स आर द एजेंट्स। ठीक है, बायो कंट्रोल एजेंट्स वो एजेंट्स होते हैं, दीज आर बेसिकली द बायोलॉजिकल मटेरियल, बेसिकली दीज आर बायोलॉजिकल मटेरियल बाय विच वी कैन कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ पेस्ट और कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द प्लांट्स। ठीक है, तो प्लांट्स में डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को हम कंट्रोल करेंगे या प्लांट में हम बेसिकली इंसेक्ट या पेस्ट की ग्रोथ को कंट्रोल करेंगे, उसको हम बोलेंगे बायो कंट्रोल एजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आप डेफिनेशन में देखते हो बायो कंट्रोल एजेंट क्या है, द टर्म बायो कंट्रोल रिफर्स टू द यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। तो यहाँ पे बेसिकली हम बायोलॉजिकल मेथड को यूज करने वाले हैं टू कंट्रोल डिजीजेस एंड टू कंट्रोल द पेस्ट। ठीक है, तो पेस्ट को और डिजीज को कंट्रोल करने के लिए हम किसी बायोलॉजिकल मेथड्स का यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जरिए ही किसी पेस्ट को कंट्रोल करेंगे या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जरिए किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करेंगे जो डिजीज कॉज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये प्रोसेस करने वाले एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मदद से दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को कंट्रोल करेंगे जो डिजीज कॉज करता है। ठीक है, तो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को कंट्रोल करेंगे या फिर पेस्ट की, इंसेक्ट की ग्रोथ को कंट्रोल करेंगे जो पेड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, तो बायो कंट्रोल रिफर्स टू, ठीक है, द बायोलॉजिकल मेथड टू कंट्रोल डिजीजेस एंड पेस्ट। ठीक है, द नेचुरल मेथड ऑफ एलिमिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग पेस्ट। तो ये बेसिकली एक नेचुरल मेथड है जिसमें हम पेस्ट को और इंसेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक नेचुरल मेथड है जिसको हम बायो कंट्रोल एजेंट बोलते हैं। ठीक है, अब बायो कंट्रोल एजेंट इन्हीं को बोला जाता है जहाँ पे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं या हम बेसिकली बर्ड्स का भी यूज कर सकते हैं, बर्ड्स जो इंसेक्ट को खाती है, तो ये भी एक बायोलॉजिकल कंट्रोल का ही मेथड है। तो यहाँ पे हम देखते हैं बायोलॉजिकल लिविंग थिंग्स को हम यूज़ करते हैं इंसेक्ट की ग्रोथ को या डिजीजेस को होने से रोकने के लिए, प्लांट में डिजीजेस ना हो, प्लांट में इंसेक्ट की ग्रोथ ना हो, इनको रोकने के लिए हम किसी बायोलॉजिकल मेथड को यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब यहाँ पे कौन कौन से एजेंट यूज़ होते हैं, देखो, एजेंट विच आर एम्प्लॉयड फॉर दिस आर कॉल्ड एज बायो कंट्रोल एजेंट। तो जो एजेंट हम यहाँ पे एम्प्लॉय करते हैं, मतलब जिन एजेंट्स को हम यहाँ यूज़ करते हैं, बायोलॉजिकल मटेरियल को यूज़ करते हैं, ठीक है, पेस्ट की ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए, डिजीज को कंट्रोल करने के लिए, उनको हम बायो कंट्रोल एजेंट बोलते हैं। ठीक है, ये बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया को यूज़ कर सकते हैं हम, फंजाई को यूज़ कर सकते हैं, वायरस और प्रोटोजुआन को भी यूज़ करते हैं हम एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। मतलब अगर हम इनको यूज़ करेंगे तो इससे आने वाला कोई डिजीज़ है प्लांट में तो वो नहीं होगा किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से, या किसी पेस्ट की ग्रोथ को कंट्रोल करेगा ये। ठीक है, माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट एक्ट्स इन अ थ्री वेज। तो यहाँ पे तीन तरीके से ये एक्ट करता है बोला है। ठीक है, आइदर दे कॉज डिजीज टू द पेस्ट और कम्पीट और किल देम। ठीक है, ये पेस्ट को यानी कीड़े को डिजीज कॉज कर देगा या उसके साथ कम्पीट करेगा। कम्पीट करेगा यानी जो भी कीड़ा होगा, पेस्ट होगा, उसको अपना खाने को चीज़ें नहीं मिलेगी, उसके साथ कम्पीट करेगा। ठीक है, या उसको सीधा सीधा किल कर देगा। तो तीन तरीके से उस पर एक्ट कर सकता है, या तो उसमें डिजीज कॉज कर देगा, या उसके साथ कम्पीट करेगा, या उसको किल कर देगा। ठीक है, केमिकल इंसेक्टिसाइड हम जनरली यूज़ करते हैं, जनरली हम कीटनाशक यूज़ करते हैं, केमिकल इंसेक्टिसाइड। ये हार्मफुल होता है एनिमल्स के लिए क्योंकि बेसिकली ये केमिकल्स होते हैं जो ज़मीन में जमा हो जाते हैं, प्लांट्स के आजू बाजू में जमा हो जाते हैं या प्लांट्स के ऊपर जमा हो जाते हैं। ये एनिमल जब इसको खाते हैं तो एनिमल्स के लिए हार्मफुल होता है, हमारे लिए भी हार्मफुल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स, ठीक है, इंसेक्टिसाइड कीटनाशक वगैरह जो होते हैं आर एक्सट्रीमली हार्मफुल टू ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। ठीक है, ऑल्सो पोल्यूट आवर एनवायरमेंट। ठीक है, Hence, the use of biocontrol measure will greatly reduce our dependence on toxic chemical and pesticides. तो यहाँ पे बड़ा सिंपल सा लॉजिक बताया है कि बायोकंट्रोल एजेंट में हम किसे यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज कर रहे हैं, जैसे फंजाई, वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआन। इनको हम दो चीज़ों के लिए यूज कर रहे हैं, एक तो हमें प्लांट में कोई डिजीज नहीं होने देना है, एक तो हमें प्लांट में डिजीज को कंट्रोल करना है, दूसरा हमें प्लांट में पेस्ट की ग्रोथ को कंट्रोल करना है। दो चीज़ों के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसी को हम बायो कंट्रोल एजेंट बोलते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम यहाँ पे यूज करने वाले उनको हम बायो कंट्रोल एजेंट बोलने वाले हैं, ठीक है। इसमें हम देखते हैं बैक्टीरिया हो सकता है, इसमें हम देखते हैं फंजाई, वायरसेस हो सकते हैं, या फिर प्रोटोजोआन हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा इसका यूज़ इसीलिए किया जाता है क्योंकि जो हार्मफुल केमिकल, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड हम यूज़ करते हैं वो ना हो और हमारे लिए इजी हो जाए चीज़ें ऑर्गेनिकली, ठीक है। मतलब हमारे काम के जो फ्रूट्स या जो भी फूड हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सही तरीके से ग्रो हो, उस पर कोई इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड ना हो, जिसकी वजह से जब हम उसे कंज्यूम करें तो वो हमारे लिए फुल्ली सेफ हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल बायो कंट्रोल एजेंट्स के। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स के हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हमको देखने को मिलता है दैट इज बैसिलस थूरेंजेंसिस, जिसको बीटी भी बोला जाता है, बैसिलस थूरेंजेंसिस बीटी। तो ये बैसिलस थूरेंजेंसिस एक बैक्टीरिया होता है, इट इज अ बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये एक बैक्टीरिया होता है, इस बैक्टीरिया के स्पोर का मिक्सचर बनाया जाता है पानी में। तो बेसिकली क्या किया जाता है, एक वाटर का कंटेनर लिया जाता है, इसमें हमें मार्केट में जो कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि केंद्र वगैरह होता है उसमें हमको क्या मिल जाते हैं, बैक्टीरिया के स्पोर हमको मिल जाते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया के स्पोर हम खरीद के लाते हैं, उसको पानी में मिक्स करते हैं। जब ये पानी में मिक्स हो जाता है तो इस पानी को स्प्रे किया जाता है ऑल ओवर द फील्ड, हमारे फार्मलैंड के फील्ड पे ये पानी को स्प्रे किया जाता है। तो अब ये बैक्टीरिया के स्पोर पूरे फार्मलैंड पे, सारे पेड़ों के पत्तों पे गिर जाते हैं। अब जब वो इंसेक्ट, कैटरपिलर, इंसेक्ट का जो लार्वा होता है, कैटरपिलर, इल्ली बोलते हैं बड़ा सा, ठीक है, वो आता है खाने के लिए पेड़ के पत्तों को। तो जब वो पत्तों को खाता है तो पत्ते के साथ ये बैक्टीरिया का स्पोर यानी अंडा भी उसके इंटेस्टाइन में चले जाता है, ठीक है। अब ये बैक्टीरिया का स्पोर आगे बैक्टीरिया फॉर्म करता है बॉडी के अंदर, और ये बैक्टीरिया उसके बॉडी में एक प्रोटीन सिक्रीट करता है, क्राई प्रोटीन, ठीक है। और ये प्रोटीन से उसकी इंटेस्टाइन जो है वो ब्लॉक हो जाती है, इंटेस्टाइन ब्लॉक होती है तो वो खा नहीं पाता, फूड के स्टार्वेशन के कारण, भूखमरी के कारण मर जाता है, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं, देखो बैसिलस थूरेंजेंसिस एक बैक्टीरिया है बीटी, ठीक है। इट इज यूज टू गेट रीड ऑफ द बटरफ्लाई कैटरपिलर, ठीक है। तो बटरफ्लाई का जो लार्वा होता है कैटरपिलर, इल्ली बड़ी सी, उसको ग्रो करने से ये रोकता है, ठीक है। तो इसको क्या किया जाता है, वेयर ड्राइड एंड स्पोर्स, देखो यहाँ पे ड्राइड स्पोर्स को क्या किया जाता है, बैसिलस थूरेंजेंसिस के जो ड्राइड स्पोर होते हैं इन स्पोर को मिक्स किया जाता है पानी के साथ, ठीक है। स्प्रे किया जाता है ऑन टू द प्लांट्स, वल्नरेबल प्लांट जैसे कि कॉटन वगैरह, ठीक है, उस पर स्प्रे किया जाता है। स्प्रे करने के बाद ब्रासिकास, फ्रूट ट्रीज, ऐसे प्लांट पे इसको स्प्रे किया जाता है। स्प्रे करने के बाद ये स्पोर आर ईटन बाय द इंसेक्ट। अब ये स्पोर पूरे प्लांट पे फैल चुके हैं, तो जब प्लांट का लीफ वो खाएगा, इंसेक्ट लीफ खाएगा तो लीफ के साथ स्पोर भी उसके बॉडी में जाएंगे। तो दिस स्पोर्स आर ईटन बाय द इंसेक्ट, ठीक है, इंसेक्ट लार्वी, ठीक है। एंड द गट ऑफ द लार्वी द टॉक्सिन क्राई प्रोटीन इज रिलीज्ड एंड द लार्वी गेट किल्ड इवेंचुअली। तो यहाँ पे बोला है कि जैसे वो इंसेक्ट उसको खाएगा, लार्वा खाएगा उसको, तो उसके बॉडी में ये गट को ब्लॉक कर देगा, क्योंकि वहाँ पे एक प्रोटीन सीक्रेट होगा, क्राई प्रोटीन, ठीक है, जो गट को ब्लॉक कर देगा और वो उसकी डेथ हो जाएगी, उसका गट ब्लॉक हो जाएगा। फूड की कमी के कारण वो आगे खा नहीं सकेगा, स्टार्वेशन, भूखमरी के कारण मर जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा पहला वाला बैसिलस थूरेंजेंसिस, आपने देखा होगा, ठीक है, सुना होगा इसके बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज ट्राइकोडर्मा स्पीशीज, ठीक है। ट्राइकोडर्मा ये एक फंजाई होती है, ट्राइकोडर्मा इज अ फ्री लिविंग फंजाई जो कि रूट के आजू बाजू में अपना नेटवर्क बनाती है, ठीक है, ठीक है। तो ये फंजाई के आजू बाजू में जितने भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाते, माइक्रोब्स ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि वो एक केमिकल सिक्रीट करती है, विरिडिन, ग्लियोटॉक्सीन एंड ग्लियोविरिडिन, ठीक है। तो ये देखो ट्राइकोडर्मा हम बोल रहे हैं एक फंजाई है जो कि प्लांट रूट के आजू बाजू में होता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं हम और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, 2 मिनट। तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, हम बोल रहे हैं दैट इज ये एक जो है, ये तो हो गया ना हमारा। नेक्स्ट तो हम बोल रहे हैं ट्राइकोडर्मा इज अ फ्री लिविंग फंजाई। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये प्लांट का रूट है, ठीक है, 2 मिनट, ये हम बोल रहे हैं प्लांट का रूट है, और प्लांट के रूट के आजू बाजू में फ्री लिविंग फंजाई है। यहाँ पे ये फ्री लिविंग फंजाई है, ठीक है, ट्राइकोडर्मा। तो ये फंजाई क्या कर रही है, ये फंजाई हम देखते हैं, ये जो फ्री लिविंग फंजाई है ये वाली, ये फंजाई क्या कर रही है, आजू बाजू में कोई भी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो होने से रोक रही है, ठीक है। तो कोई भी दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आजू बाजू में ग्रो नहीं हो पाता है, तो प्लांट में कोई भी माइक्रोबियल डिसीज नहीं होता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नीट में MSTCT में ये पूछा जाता है ट्राइकोडर्मा और बीटी कॉटन के बारे में। बीटी यानी बैसिलस थूरेंजेंसिस से होने वाले बायोकंट्रोल एजेंट, ठीक है, और दूसरा हम देखते हैं ट्राइकोडर्मा भी एक बायोकंट्रोल एजेंट है, ट्राइकोडर्मा। ठीक है, तो ये जो हमने लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, थ्योरी में लिखा है ट्राइकोडर्मा स्पीशीज जो है फ्री लिविंग स्पीशीज है फंजाई की। ये रूट के इकोसिस्टम में देखा जाता है, मतलब रूट के आजू बाजू में हमको ये दिखता है, ठीक है, राइजोस्फीयर जिसको बोलते हैं। ठीक है, दीज आर इफेक्टिव एज अ बायोकंट्रोल एजेंट, तो ये भी एक बायोकंट्रोल एजेंट की तरह एक्ट करता है, बोला है। सेवरल सॉइल बॉर्न फंगल प्लांट पैथोजन के अगेंस्ट, ठीक है, तो कोई भी प्लांट में जो फंगल पैथोजन होते हैं उसको ये ग्रो नहीं होने देता रूट के आजू बाजू में, मतलब फंगल डिजीजेस से ये प्लांट को प्रिवेंट करता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ केमिकल्स सीक्रेट होते हैं जैसे कि विरिडिन, ग्लियोटॉक्सीन, ग्लियोविरिडिन, ठीक है, दैट इनिबिट्स, देखो ये क्या लिखा है, दैट इनिबिट्स द अदर सॉइल बॉर्न पैथोजन अटैकिंग द रूट राइजोम, तो ये प्रिवेंट करता है दूसरे सॉइल बॉर्न पैथोजन को रूट को अटैक करने से। ठीक है, कॉजिंग रॉट डिसीज, इसके वजह से ये पैथोजन जो है आजू बाजू में ग्रो होने वाले थे, उसके वजह से रॉट डिसीज होने वाला था, तो रॉट डिसीज को होने से ये रोकता है। तो ये आपको नीट MSTCT में याद रखना पड़ेगा कि ट्राइकोडर्मा प्लांट को रॉट डिसीज से रोकता है, ट्राइकोडर्मा प्लांट को रॉट डिसीज से रोकता है फ्रॉम पैथोजन, और साथ ही में बीटी कॉटन जो है कैटरपिलर से प्रिवेंट करता है। तो बीटी कॉटन बटरफ्लाई के कैटरपिलर से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। देखो ये बटरफ्लाई के कैटरपिलर से ये प्रोटेक्ट करता है बीटी कॉटन, ठीक है, बीटी कॉटन प्लांट को बटरफ्लाई के कैटरपिलर लार्वा से प्रोटेक्ट करता है। इसी के अलावा ट्राइकोडर्मा जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करने वाले आगे रॉट डिसीज यानी सड़ता है प्लांट उसमें, ठीक है, तो रॉट डिसीज से ये प्रिवेंट करता है। तो इस तरीके से यहाँ पे दो एग्जाम्पल हमने देखे, बीटी कॉटन का और ट्राइकोडर्मा का, जिसमें हमने देखा कि वो एज अ बायो कंट्रोल एजेंट, इसमें हमने देखो कोई केमिकल यूज नहीं किया, हमने एक बैक्टीरिया एक फंजाई को यूज किया जिसने दूसरे पेस्ट यानी कैटरपिलर का ग्रोथ कंट्रोल किया या दूसरे माइक्रोब्स का ग्रोथ कंट्रोल किया, ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं बायो कंट्रोल एजेंट। नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होने वाला है, ये वीडियो लेक्चर हमारा यहीं पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होने वाला है, इस वीडियो लेक्चर में बहुत कॉमनली बहुत इंपॉर्टेंट हम ये वाला जो टेबल है ये डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, तो ये टेबल हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही में इस टेबल के बारे में आपको मैं बहुत ही अच्छी ट्रिक देने वाला हूँ कि आपको पूरा का पूरा टेबल जो है वो लर्न हो जाएगा, पूरा का पूरा टेबल लर्न हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, तो ये टेबल अगर आपको अच्छे से लर्न करना है तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर ज़रूर देखिएगा, ठीक है, और वीडियो लेक्चर पसंद आता है, ठीक है, अगर हमेशा पसंद आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाइए, ठीक है, लाइक करते जाइए, दोस्तों के साथ मिलकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, क्योंकि ज़्यादातर लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। मेहनत बहुत लगती है पढ़ाने में, ये सारा सेटअप लगा के वीडियो बनाने में, तो अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़्यादा कीजिए चैनल को, ठीक है। ऐसे ही हमारे वीडियोस के साथ बने रहिए, दोस्तों की मदद करते रहिए, ज़िंदगी के मज़े लेते रहिए, खुश रहिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।